गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को किया कुशीनगर के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण। कहा, 2 माह में यहाँ से शुरू हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान, पर्यटन के साथ रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन आयोजित ई बुक का किया विमोचन। कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए है सेवा ही संगठन। भ्रमलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समापन पर महंत अवैधनाथ को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महंत अवैधनाथ ने गोरखपीठ के भक्तों का तथा सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों व आदर्शों को स्थापित करने के साथ योग्य मार्गदर्शक के रूप में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। नवीन गल्ला मंडी महवा में एक रुई की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, लाखों की रुई हुई जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्म सिंह की पुस्तक राम कथा व डॉक्टर प्रदीप राव की पुस्तक विमर्श का किया विमोचन। बड़ागंज पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 1 किलो 200 ग्राम गांजा और 1 बाका किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर में 388 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या हुई 11,132। एक्टिव कोरोना मरीज हुए 3113। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। गोला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी अभियुक्त ललकू यादव उर्फ लाल बाबू यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और रविवार की दोपहर में हुई बारिश से मिली गर्मी और उमस से राहत, आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने कहा, अभी छिटपुट बारिश के हैं आसार।